जय माता दी दोस्तों, एक ऐसे में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों सोनी के D100 और FND के F5060X के साउंड कंपैरिजन करने वाला हूँ। दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दोनों के साउंड कंपैरिजन के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई और इसके लिए वैसे बहुत सारी गाली भी खाने पड़ी। तो चलिए फाइनली इन दोनों के साउंड कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था ऑरेंज वर्सेस ग्रीन, तो दोस्तों ये वही प्रोडक्ट्स है। ऑरेंज हो गया आपको F5060X और सोनी की जो थी वो आपको D100 हो गई ग्रीन वाली। तो उस वीडियो में मैंने एक पोल क्रिएट किया हुआ था कि आपको कौन सा पसंद आया, ऑरेंज वाला या ग्रीन वाला। तो 88% लोग यानी कि 40 लोगों ने बताया कि उन्हें ग्रीन वाला पसंद है और आपको 5 लोगों ने बताया कि ऑरेंज वाला बेस्ट है। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे दोस्तों जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दी, बढ़िया आपको सब कुछ बताया आप लोगों ने किस तरह ग्रीन बढ़िया है, किस तरह से ऑरेंज आपको बढ़िया लगा। तो ज़्यादा जो मेजोरिटी थी यार वो ग्रीन की थी, ग्रीन वाले लोगों ने पसंद किया, साउंड उसकी पसंद आई। और बहुत सारे लोगों ने गेस भी किया कि ये D100 है ग्रीन वाली, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों एक दो गाने बजाते थे फिर से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है दोनों की, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना दोस्तों, यहाँ पे जो बेस क्वालिटी है वो आपको F5060X में काफ़ी हेवी है। यहाँ पे 8 इंच का ऊपर लगाया गया 60 वाट्स RMS का है, जो कि काफ़ी हेवी बेस जनरेट करता है। वाकई पावरफुल बेस है, नो डाउट यार, बहुत ही बढ़िया पावरफुल बेस आता है इसका। और सोनी की जो बेस है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, थम्पिंग इफेक्ट है, बस इसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार। और बात करते हैं दोस्तों लाउडनेस की, तो लाउडनेस भी आप देखें तो 5060X की ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 75 वाट्स के स्पीकर्स मिलते हैं, वही सोनी में आपको मिलते हैं 56 वाट्स के स्पीकर्स। बट दोस्तों जो लाउडनेस है वो क्लियर अगर रहे तो काफ़ी बढ़िया रहता है, बट अगर क्लैरिटी पूरी तरह से ना मिले तो वो लाउडनेस किसी की काम की नहीं आती है। यहाँ पे जो D100 है उसकी जो क्लैरिटी है 256 वाट्स की है, जो स्पीकर्स की क्लैरिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। आप कितने भी फुल साउंड में भी बजाओ, कम में भी बजाओ, जो क्लैरिटी आएगी वोकल्स की वो काफ़ी बढ़िया आती है। जो बेस इफेक्ट आएगा, जो आपको म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी काफ़ी बढ़िया क्लियर समझ में आते हैं D100 में। बट वहीं F5060X में क्या है दोस्तों, क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पे जो ट्वीटर्स लगाए गए हैं उसकी जब आप भी गाने बजाओगे दोस्तों, तो कुछ गाने आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, नो डाउट बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट कुछ गाने इतने ख़राब लगने लगते हैं, जैसे लगता है यार क्या एक अलग सा साउंड आ रहा है यार, मतलब क्या हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे क्या वोकल्स कहाँ गए या इंस्ट्रूमेंट कहाँ गया, सब कुछ मिक्सडअप हो जाता है। यहाँ पे बेस भी हैवी है, लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, बट जो क्लैरिटी मिलती है आपको वो क्लैरिटी 5060X में नहीं मिलती है। बट दोस्तों आपको तो खरीदना एक ही प्रोडक्ट है यार, आप एक ही खरीद सकते हो, या तो D100 खरीद सकते हो या F5060X खरीद सकते हो, क्योंकि अगर इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो नो डाउट आप D100 को चूज़ कीजिएगा, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं यार, मतलब आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्लैरिटी में, हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ गाने पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यानी कि कुछ गाने बढ़िया बजते हैं, कुछ ही जो गाने होते हैं वो थोड़े से अलग साउंड करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको क्लैरिटी कम लगेगी। बट इसको अगर बड़े से रूम में बजाए दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा, जो साउंड रहेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, यहाँ पे बेस अलग हो जाएगी, थोड़े से वोकल्स अलग चले जाएंगे, तो जो क्लैरिटी है उसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। बट अगर रूम छोटा है और फुल वॉल्यूम पर बजाते हैं तो जो क्लैरिटी है वो ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5060X में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, ब्लूटूथ दोनों में ही आपको 5.1 इनपुट मिलता है, FM मिल जाता है दोस्तों, डिस्प्ले मिलता है जिससे आप अपने चेक कर सकते हो यार बेस कितनी है, फ्रंट के जो स्पीकर्स का वॉल्यूम है, सेंटर हो गई या मेन वॉल्यूम है, ये कितनी है, कौन सा FM का चैनल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। प्लस आपको यहाँ पे ऐप का सपोर्ट भी मिलता है, एंड्रॉयड ऐप से आप अपने कनेक्ट करके इसके साउंड को
कम ज़्यादा कर सकते हैं, गाने वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप से ही हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल आपको सोनी के होम थिएटर्स में नहीं मिलने वाले। सोनी के होम थिएटर्स में क्या आपको मिलती है? सोनी के होम थिएटर्स में आपको मिलती है क्लैरिटी, बेस इफेक्ट, आपको लाउडनेस, ये तीनों की जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगी वो आपको सोनी में मिलेगी, जो कि दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको बेस हाई कर देंगे सोनी, लाउडनेस हाई कर देंगे, बट वो क्लैरिटी को नहीं किल कर सकते यार, वो क्लैरिटी को किल नहीं करेंगे। वो ऐसा बैलेंस्ड आपको होम थिएटर देंगे जिससे आपको क्लैरिटी भी मिले, लाउडनेस भी मिले और बेस का इफेक्ट भी समझ में आए। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए दोस्तों उस वीडियो पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं इस तरह से वीडियोस लाता रहूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आया तो आप इसको जोर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे सारे कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों कि क्या अगर कोई खूबियाँ है, क्या खामियाँ हैं मेरी अगर वीडियोज़ में, तो आप बता सकते हैं कमेंट्स करके। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको थोड़े से इम्प्रूव कर पाऊँ। और बात रही दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की, सो आई एम ट्राइंग हार्ड मैन, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, आई एम ट्राइंग टू मेक अ सब टाइटल्स फॉर माई वीडियोज़, बट लेट मी फिनिश माई ऑल द वीडियोज़ इन हिंदी, देन आई विल ट्राई टू एड सब टाइटल्स टू ऑल ऑफ माई वीडियोज़। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।